नेता सब खींच के साफ सुथरा कर देते हैं। बहुत सामान वान हो गया दोस्तों, देख सकते हो कितना सामान है इधर। चलिए तो चलिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? बिट्टू सैम्पल्स आप लोग को स्वागत है। और दोस्तों सुबह का टाइम हो चुका है और दोस्तों हम दो दिन से वीडियो नहीं डाल रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न है, आप लोग को सब बताएंगे। बस आप लोग बने ब्लॉग में। और आज 24 तारीख और कल 25 तारीख है, तो कल हम लोग ये रूम छोड़ देंगे। और अभी सुबह सुबह मतलब उस पर तैयारी चल रहा है, साफ सुथरा सब कुछ देख सकते हैं पूरा इधर कितना मतलब कचरपट्टी हुआ रखा है। अभी पूरा सुबह का टाइम है और सीमा देख सकते हैं क्या कर रही है, आप लोग को दिखाते हैं। इधर कपड़ा पड़ा 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 है और देखिए सीमा क्या कर रही है। हेलो दोस्तों, खींच रहे हैं सब पिता पिता सब खींच के साफ सुथरा कर देते हैं। और पूरा पैकिंग भी करना है क्योंकि कल जाना है इसके लिए, तो पहले इधर का कर लेते हैं फिर आप लोग से कल में मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखे इस्तेमाल सुबह सुबह, आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है और कुछ नहीं किए, सब ऐसे पड़ा है खाना वाना सब कुछ मतलब बनाना है, सो कुछ नहीं किए। सुबह सुबह उठी है और कपड़ा ही साफ कर रही है क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ एक दिन बचा है, कल 25 तारीख है, कल हम लोग निकल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग बने ब्लॉग पे और थोड़ा देर बाद हम भी फ्रेश व्रेश होकर आप लोग से मिलते हैं। और कल जाना है तो पूरा रेडी वेडी सब कुछ करना है और आज ही इस रूम को पूरा क्लीन करना है। तो दोस्तों सीमा मतलब कपड़ा वपड़ा सब साफ कर ली है और अभी झाड़ू मार रही है, देख सकते हैं। अभी खाना वाना नहीं बनाई है तो नहा वहाँ फ्रेश हो गई, हम तो नहाए वो नहीं किए हैं, नहा वहाँ लिए कपड़ा वपड़ा इसलिए धो दिए क्योंकि बारिश की वजह से कपड़ा नहीं सूख पाता है और इसलिए थोड़ा बहुत सफेदा बेदा बिछाने वाला था इसलिए साफ कर दिया क्योंकि सुबह थोड़ा सूख जाएगा और यहाँ से कल निकलना है इसके लिए सफेद। तो आज पूरा पैकिंग वैकिंग पूरा करना है दोस्तों, देख सकते हैं इतना पूरा सामान है और उधर पूरा सामान है। और टेम्पू ला मतलब टेम्पू के लिए है ऑटो किए हैं उसको कल और कल आज मतलब आज पूरा पैकिंग वगैरह करके रखेंगे, सिर्फ कल वो आएगा और सब कुछ मतलब उसमें डालेंगे और जाएंगे क्योंकि पहले से करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा ना। सीमा आपको आज आपको ही पैकिंग करेंगे, वो वाला वीडियो आपको दूसरा मिलेगा। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि मतलब दो तीन दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे थे, सच्चे बोले दोस्तों बहुत प्रॉब्लम है, क्या हुआ था आप लोग को बताते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट रूम देख के आए थे जो आप लोग को वीडियो में दिए थे, तो हम उसको बोल दिए कि हमको 25 को जाना है, 25 को हम आ जाएंगे, तो बोला ठीक है। और हम जिससे बात किए वो आर्मी में है, ठीक है, तो वो तो ड्यूटी पे था, तो क्या हुआ कि उसका बहन मतलब जो रूम है ना वो दे दी उसको, क्या करती तो दूसरे को दे दी। तो फिर हम मतलब कल फ़ोन किए कि हम आने वाले हैं 25 को, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो रूम मतलब दे दिए। तो हम उसको बोले देखिए हम तो आपको बोल के रखे थे, यदि आप रूम दे दिए हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे फैमिली लेके बताइए, और डिपॉजिट नहीं दिए थे सोचे 25 तारीख को जाएंगे तो उसी लेकिन उसको हम बोल दिए थे कि हम आएंगे तो आपको पैसा दे देंगे। पूरा किधर हो गया था और बात भी हो रहा था व्हाट्सएप पर उसके भाई से, लेकिन उसकी बहन से नहीं हो रहा था, तो बोल रही है कि हम मतलब दे दिया किसी को चुपके चुपके, आप पता ही नहीं चला ऐसा हो गया कुछ तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया। पता है सब कुछ छोड़ दिए, वीडियो वीडियो सब कुछ ड्यूटी ड्यूटी सब छोड़ के बैठे हुए हैं, फिर से हम फटाक से गए वहाँ कल गए और कल जाके कैसे भी करके आप लोगों को बताते हैं दोस्तों हमको रूम बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे बहुत छोटा रूम है, पूरा कॉल की सा रूम है और रेंट 3000 रुपया है और डिपॉजिट नहीं लिया है, लेकिन क्या करें मुझे एक महीना कैसे भी एडजस्ट करना है और एक महीना काम करके फिर हम अलग रूम देख लेंगे। फिलहाल के लिए मुझे प्रॉब्लम है इसके लिए, कोई बात नहीं जाने दो, उसमें क्या एक महीना तो ऐसा ही कर जाता है, एडजस्ट कर लेंगे फिर बाद में अच्छे रूम ढूंढ लेंगे, वहाँ पे रहेंगे तो रूम ढूंढने में आसानी होता है, अभी इतना दूर से वहाँ पे जाते हैं फिर बहुत प्रॉब्लम होता है, पता नहीं रूम मतलब ढूंढ लेंगे इतना समझ है कि रूम मिल गया वो बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे जाते हैं रहने के लिए मिल गया ना बस हो गया, जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे 15,000-10,000 डिपॉजिट ही मांगता है और अभी जो रूम देखे डिपॉजिट आज नहीं मांग रहे दोस्तों। तो सबसे बड़ा यही बात है कि हमको रूम मिल गया रहने के लिए, सिर्फ एक महीने रहना है उसके बाद फिर चेंज यूज कर देना है। अच्छा रूम देख करके सब कुछ वहाँ पे रहेंगे और फिर चेंज कर देंगे, बाकी आप लोगों को कल वीडियो मिल जाएगा कि हम लोग जाएंगे, वीडियो मिलते रहेगा और थोड़ा टेंशन हो गया था रूम बताइए फिर यहाँ। अरे दोस्तों वीडियो डालना चाहते तो हम कुछ भी डाल सकते थे, लेकिन क्या कहे थोड़ा टेंशन था इसके लिए नहीं डाल पा रहे थे और बहुत दौर बढ़ा है इधर उधर इसके लिए। तो बस दोस्तों आज पूरा पैकिंग वैकिंग करना है,
और अभी हम जा रहे हैं सामान लाने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान रहेगा वहाँ, जाते जाते सामान थोड़ी खरीदेंगे, तो थोड़ा बहुत सामान रहेगा तो हम मतलब जाएंगे तो खाना वाना बनाए खाएंगे, इसके लिए भी हम जा रहे हैं दुकान सीमा, और सामान वामान थोड़ा लेके आ रहे हैं, तो फिर आप लोग से मिलते हैं, आप लोग बनिए ब्लॉग पे। ठीक है दोस्तों, अभी गए थे दुकान और पूरा सामान वामान लेके आ चुके हैं, तो आप लोग को दिखा देते हैं कि क्या क्या सामान लेके आए हैं। बाकी पूरा राशन का सामान है, बस लास्ट बड़े हैं सामान ले रही हैं, और देख सकते हैं सीमा क्या कर रही है, क्या कर रही सीमा? खाना बनाएंगे, बर्तन धोए हैं, खाना बनाएंगे। दस ना? दस से ज्यादा हो गया। खाना बनाते हैं, खाते हैं, बहुत काम किए। ठीक है दोस्तों, अभी खाने से बनाएगी, लेकिन पहले बता दो ना क्या क्या लिखा है इसमें, तो बता दो। सकते दोस्त पूरा मतलब झोरा उरा गिरा के रखिए। आप तो गिर गया, हम देखते हैं तो फ्रेंड देखिए, ये 5 पीस आटा है पैकेट वाला, तो इसलिए ले लें दोस्तों, क्योंकि वहाँ जाएंगे फिर मतलब सामान खरीदेंगे, फिर वहाँ मतलब 1000-1200-1500-2000 रुपया लगेगा, तो इसके लिए एक ही बार यहाँ से ले लिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड चलता है और यहाँ पे आके हम पेमेंट दे देंगे, जब पेमेंट उठेगा ना अगला पेमेंट, थोड़ा बहुत दिए हुए हैं और दिए हुए हैं, थोड़ा सा बाकी है बस, वो भी आके सब दे देंगे, तो इसके लिए सामान यहाँ से ले लेंगे, आप फोन पर भी दे देंगे। चावल है 5 केजी, देख सकते हैं जो हर बार लाते हैं हम लोग। ये मिक्सचर है, ड्यूटी आ जाते हैं तो कभी कल लेके जाते हैं, ब्रेक में आता है तो हम इसके लिए। दो पार्ले जी बिस्किट ले लिए हैं, साबुन वगैरह सब ले लिए, पहले निकाल लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत सारा सामान ले लिए, 1500 है, और ये दाल है देख सकते हैं, ये सोयाबीन है, और ये तेल है, ये काला मिर्च ले लिए है, अरेस्ट मसाला लिए देख सकते हैं, ये हल्दी पाउडर है, और ये बर्तन धोने वाला साबुन है, नहाने वाला और कपड़ा धोने वाला सब साबुन ले लिए हैं एक ही बार सब, मतलब सामान बहुत समझे दोस्तों की सामान बहुत ले लिए उधर, कोलगेट नमक वमक सब कुछ, नमक सरफ, इधर आलू, आलू प्याज इसमें है दोस्तों, आलू प्याज लहसुन सब है, इतना सारा सामान ले लिए हैं, बहुत सारा है, पूरा किचन का इतना सामान होता है, और नहाने धोने कपड़ा सब दोस्तों, दिक्कत नहीं होगा, वहाँ जाएंगे सीधा खाना बने या खाएंगे, बाकी आप लोग सब दिखावे करेंगे, बाकी हमको तो थोड़ा सा रूम ठीक नहीं लग रहा है वहाँ पे, लेकिन अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा, बाकी गैस है तो गैस क्या पता खत्म भी हो सकता है, तो गैस वहाँ ही मतलब लेंगे। और दोस्तों आप लोग को बताए भी नहीं किए, लेकिन झाड़ू भी लिए है नया, देख सकते हैं सब सामान ऐसे ले लिए हैं, तो झाड़ू भी है ये नया, तो इसको वहीं भी मतलब खोलेंगे ना, तो ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल सीमा खाना बनाएगी, टाइम बहुत हो गया है दोस्तों, सुबह से उठे हैं पता है, पहले कपड़े पूरे धो दिए हैं, झाड़ू मारना, बर्तन वर्तन धोना, ये सामान लाने के लिए दोनों गए थे अभी दुकान, बहुत सारा सा था ना, ये एक बस अगर नहीं हो सकता था, बारिश का कुछ ही नहीं बरसते रहता है, तो इसके लिए सारा सामान ले रहे हैं, अभी जाते हैं खाना बनाते हैं फिर कुछ हम लोग खाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी बहुत सारा काम है और पूरा पैकिंग वैकिंग भी करना है, तो इस वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए अभी सीमा खाना ना बनाएगी और हम लोग खाना खाएंगे फिर पैकिंग चालू करेंगे, तो आप लोग को दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो के पे एंड करते हैं, सामान वामान लाए जो आप लोग को दिखाए, और आप ये से मतलब समझे आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा, तो बस दोस्तों मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, वेट कीजिएगा तब तक लिए बाय।